बज रहे हैं ये वाला, ठीक है मैं साथ साथ उसको बाय किया अपने पैसों से, तो आप साथ पिक्चर ली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं रिव्यू देने लगी, मैं जा रही हूँ कहीं, तो मैंने सोचा कि आज रिव्यू वीडियो भी हो जाए, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले मंगवाया था मरियम परवेज की ये लिक्विड फाउंडेशन ग्लास स्किन और इसका सेटिंग स्प्रे, ये वाला जो लॉन्ग लास्टिंग फिक्सर है और हाइड्रेटिंग कर देता है मेकअप को, तो ये दोनों आज मैं इसका रिव्यू भी देने लगी कि मुझे कैसे लगा ये। मैं इसकी पहले भी टेस्ट कर चुकी हूँ फाउंडेशन को, तब मेरी दोस्त की थी और आज मैंने अपने खुद इसको बाय किया अपने पैसों से, तो आप इसको प्रॉपर एक रिव्यू दूंगी इसका मरियम परवेज का, और बताऊंगी कि कितने से कितने बजे तक मैंने इसको यूज किया, कितने घंटे ये रही। मैंने शेड मंगवाया है वो M4 मंगवाया है और ये मेरी स्किन से थोड़ा डार्कर है, ज्यादा नहीं। अगर मुझे नेचुरल फिनिश चाहिए होगी ना जस्ट मैं ये लगाऊंगी और चली जाऊंगी, लेकिन जब मुझे थोड़ा सा हैवी लुक करनी है तो मैं इसमें लिटिल बिट लाइटर लगाऊंगी। अच्छा, मैंने अपना करेक्टर कर लिया और आज मेरा आई लुक है, अभी मैंने लैशेज नहीं पहनी, क्योंकि मैंने लैशेज तब पहनूंगी जब ओवरऑल पूरा फाउंडेशन वगैरह लगा लूंगी ताकि लैशेज में ना लगे, तो तब मैं लैशेज वगैरह पहन लूंगी। और मैंने करेक्टर कर लिया है अपना और ये मेरा एक्ने निकल आया है। कोई पार्टी हो, कोई दावत हो और एक्ने ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो बस ये, तो ये मेरा करेक्टर सारा कर लिया, अपने अंडर आई को करेक्टर कर लिया, तो हम इसको खोलने लगे हैं आपके सामने। आज ये मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ आप लोगों के सामने, मतलब ये वाली बॉटल मतलब लाइक। अच्छा, मैं इसको लगाने से पहले थोड़ा सा मिस्ट करूंगी अपने फेस पर ताकि मेरी जो स्किन है वो हाइड्रेट हो जाए। हम इसको एज अ प्रेप भी यूज कर सकते हैं अपनी फाउंडेशन। और ये मक्खी आज मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही है। खैर, मैंने स्प्रे कर लिया है ये वाला, ठीक है मैं साथ साथ इंस्टाग्राम की इब्राहिम भी आज जा रहे हैं। अच्छा, आज मैं कहाँ जा रही हूँ, साथ साथ बातें भी करती जा रही हूँ करती हूँ। आज मैं जा रही हूँ, एक ब्लॉगर है, ठीक है, अच्छी बातचीत है मेरी उनसे। इसके साथ मैं मिक्स करूंगी आई मैजिक की, ठीक है। पैकेजिंग इन दोनों की सेम ही है, सिमिलर ही है, होता कि लेकिन ग्लास नहीं है। इसको हम थोड़ा सा शेक करेंगे क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको बताई थी कि मैं जा रही हूँ, एक ब्लॉगर है, उनकी खुद की भी बर्थडे है, उनकी बेटी की भी बर्थडे, हो सकता है मैं वहां पर थोड़ा बहुत व्लॉग बनाऊं और इसी के साथ मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगी, स्पेशली नहीं लगाऊंगी, इसी के साथ आगे कंटिन्यू कर दूंगी, ठीक है। और ये मैं लूंगी इस तरह का हल्का सा टिफ, ये मैंने लिए, ये एक लिया है, यानी वन एंड हाफ पंप होगा और अब मैं इसका हाफ पंप लूंगी, ठीक है। इसको भी शेक कर लेंगे इस तरह, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी अच्छे से लाइक दिस और ये एग्जैक्टली मेरा शेड बन जाएगा। अच्छे से इसको मैंने ऐसे मिक्स किया लाइक दिस, ठीक है। अब मैं इसको अपने फेस पे लगाऊंगी और अपना ये जो है ना मेरा इस तरह, यही होता है मेरे साथ। साथ साथ शीशे में भी देख रही हूँ कि कहीं का कहीं ना लग जाए। अच्छा, आपको ना डैबिंग मोशन पे लगाना चाहिए फाउंडेशन लाइक दिस डैबिंग, और लगाने के बाद ना मैं टाइम भी आपको बताऊंगी कि ये टाइम हो रहा है। मैंने इसको ना गर्मियों में यूज की थी, मुझे अच्छी लगी थी, अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ऑर्डर की, वरना मैं नहीं करती कभी भी। और मुझे वैसे भी एक पाकिस्तानी यार पाकिस्तानी फाउंडेशन चाहिए थी, ओ शिट, तो इसलिए भी अब मैं इसको ओवरऑल जो बच गया है ना मेरा ये थोड़ा बहुत वो मैं गर्दन पे लगा लूंगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि लाइट कलर नहीं है ये, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी शेड है,
अगर मैं इसको ब्लेंड करूंगी ना अभी और आपको फिर लगेगा, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती है। अब मैं इसको हल्का सा ऐसे लेके इसको और इसमें ले लूंगी और ताकि इस तरह लगा लूं ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अच्छे से करीब से भी देख लूँ कहीं से कहीं रह तो नहीं। ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है आपको हर चीज के लिए। ये बिल्कुल मेरा शेड बना है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज भी होगा। दूसरा क्या कहते हैं आपको, ये जब मैं कंट्रोल वगैरह करूंगी ना तो ये वैसे भी सेटल हो जाएगा, ठीक है जी। अभी मैं आते पूरा ओवरऑल पूरा मेकअप का कराऊंगी आपके सामने, ठीक है। ये मेरी हो गई फाउंडेशन डन, ठीक है जी। ओवरऑल तो बहुत अच्छी लग रही है, आप करीब से भी देख सकते हैं। ग्लास स्किन है, मतलब ड्यूई है, ठीक है। बाकी ओवरऑल पूरा मेकअप मैं डन कर कर आती हूँ। अभी हो रहे हैं 6:45, ठीक है। 6:45 में मैंने फाउंडेशन लगाई है, पूरा ओवरऑल मेकअप कर कर आती हूँ। ये हो गई मैं फुल ऑफ रेडी, और अब मैं सेटिंग स्प्रे आप लोगों के सामने ही करूंगी मरीम पर बेस का। एक मैंने पहले किया था, ये मेरा थोड़ा सा ना कर्व हो रहा है, इसको मैं स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करूंगी अभी। तो अभी हम इसको शेक करेंगे और इसको लगाएंगे। जब कभी आपका स्कार्फ सेट ना हो रहा हो ना तो आप स्ट्रेटनर कर लो इस तरह, लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने करना है हाइलाइटर। सेटिंग स्प्रे में कर चुकी हूँ, वेरी हाइलाइटर। अभी सब कुछ इतना मैस हो गया ना, और मेरा यही होता है कि मैं लेट हो जाती हूँ। सो हाइलाइटर मैं ओफ्रा का लगाऊंगी। सेटिंग स्प्रे के बाद आप हाइलाइटर लगाया करो तो क्या होता है, इससे ना आपकी बहुत ज्यादा पॉप अप होती है, आपकी ये जो चिक बोन्स है ना ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती है। ये मैंने बना दिया है ये, और मैंने ये अपनी आपको याद हो तो मैंने अपनी बर्थडे वाली ही ये शर्ट पहनी हुई लाइक दिस। इसको इस बार मैंने बंद करके पहना है, उसमें कोट स्टाइल का पहना था, इस वक्त मैंने बंद कर दिया है। तो 2-in-1 में ये पहनूंगी इसके साथ, ये बड़े प्यारे लगेंगे। ये मुझे गिफ्ट किया था मेरी सिस्टर ने, वो सामने देख रही हूँ शीशे पे। तो देखते हैं, मैं आऊंगी फिर ओवरऑल आपको बताऊंगी कि मेरी ये फाउंडेशन कितना लास्ट रही, कितना रहा। अभी मुझे एक दो रील भी बनानी है, मैं जा रही हूँ, टाइम दिखा देती हूँ आपको। अभी हो रहे हैं अभी हो रहे हैं 7:39, जिसमें मैंने सेटिंग स्प्रे किया था। सेटिंग स्प्रे ना बहुत अच्छा है। अच्छा, वो क्यों अच्छा लगा मुझे, ओवर जैसे पहले मैं सेटिंग स्प्रे करती थी ना वो लाइक बहुत हैवी कर देता था बेस को ना, लेकिन ये मुझे इतना कर नहीं रहा। लेकिन मैं ओवरऑल जब आऊंगी टाइमिंग दिखाऊंगी आपको कि भाई कितनी ये है ओवरऑल लुक। बाकी मैं आके दिखाऊंगी कि कितने बजे से कितने बजे तक मेरी फाउंडेशन स्टे की, और बाकी ओवरऑल रिव्यू मेरा आफ्टर आने के बाद होगा। अभी मैंने आपको टाइम दिखा दिया है, करीब से मेरी फाउंडेशन देख लें आप। ये मुझे ना बहुत जहरीला लग रहा है, करीब से मेकअप ऐसे ही लगता है। बाकी मैं गाड़ी में बैठ के फ्लैश लाइट के साथ आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा लुक, इसके नीचे मैंने टाइट्स पहन ली है और ये मेरे शूज। सो वहाँ अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर वीडियोस पिक्चर्स वगैरह लूँगी, व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो फिर मैं आके आपको बताऊँगी कि कैसे लगी मुझे मरीम परवेज की फाउंडेशन। तो आप ये फ्लैश लाइट में भी फाउंडेशन देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह की लग रही है। मैं फ्लैश लाइट में भी आपको दिखा दूँ कि किस तरह का ये फाउंडेशन लुक है। अक्सर हमारा फ्लैश लाइट में मेकअप बहुत अजीब लग रहा होता है, तो आपको ताकि आप जज कर लो, मतलब देख लो कि किस तरह फ्लैश लाइट में लग रहा है ये मेकअप। बस हम लोग निकल गए हैं और अभी टाइम 8:10 हो रहे हैं, तो ये फाउंडेशन स्टिल अभी ऐसी लग रही है।
तो यहाँ मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ लविश डैंगी गुलसाने जौहर का ही कोई रेस्टोरेंट था, वहाँ इन्होंने रखा हुआ था, मेरे घर के पास ही था, तो मैंने कहा चलो ये तो बड़ा अच्छा हो गया। जो लाइट ब्लू है ना, ये है हिना, ये है एक ब्लॉगर, अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझसे इनका लिंक ले लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगी। इनकी थी बर्थडे, इनकी भी थी, उनकी बेटी की भी थी, तो इन दोनों की बर्थडे थी और ये आज ये प्रिंसेस लग रही थी। और सुमाना आई हुई हैं और सादिया भी, मेरी दोनों दोस्तें थी, तो मैंने कहा भाई अब तो मैंने जाना है, माना तो मैं कर भी नहीं सकती, एक तो उन्होंने इतने प्यार से मुझे इनविटेशन दिया, दूसरा जब मुझे पता चला सुमाना भी है और सादिया भी है तो मैं कहा चलो वाई नॉट, क्योंकि सुमाना भी अपने बच्चे को ले रही थी, सादिया भी अपने बच्चे को ले रही थी, और दोनों सब मेरे बच्चे ना आपस में खेले नहीं, इब्राहिम और उनके बच्चे आपस में फ्रेंड्स भी हैं, तो मैं कहा चलो एक अच्छा गेट टुगेदर हो जाएगा, वैसे मिलना मिलाना हो नहीं रहा होता क्योंकि सब बिजी होते हैं अपनी अपनी लाइफ में, तो मैंने कहा इसलिए भी हम चल लेते। यहाँ पर हम लोग पिक्चर पिक्चर ले रहे थे। तेरी भी बर्थडे बैक कैमरे से दिखती है, लग रही है ऐसे। अब आप मेरा लुक दिखाएंगी, अब आप मेरा लुक दिखाएंगी, यहाँ लाइट तैयार है, इधर आओ इधर आओ। यस यस, ये रहा जी इनका तबाही दर है यार, सैंडल अच्छी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पिक्चर माना पे हमारी पिक्चर सी होंगी सुमाना। तो ये भी आ गई है सादिया, सब आ गए टिकटॉक पूरा ओवरऑल लुक इनका भी देख लें, बाद में मौका नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने यहाँ पर बैठ बैठ के पिक्चर ली, कहीं लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है ना दादी, अच्छा वीडियो बनाओ, बस वीडियो बनाए, वीडियो अच्छी आ रही है, हम लोग नीचे इसलिए नहीं आ रही है ना क्योंकि गाने चल रहे हैं और कॉपीराइट दे रहा हूँ। यहाँ फाइनली केक कट गया है क्योंकि काफी इनके मेहमान ना, बहुत सारे मेहमान थे और सबके सब लेट आया, तो यहाँ मेरी ना भूख से वाट भी लग रही थी, मैंने कहा चलो केक कटा तब तो खाना खुलेगा क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था, एक कप और चार बिस्किट, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि घर कितने सारे काम थे, खाना भी बनाना था, तो उसमें मैंने खाना कुछ भी नहीं खाया, मुझे बनाना था छोले जो कि गैस नहीं थी मेरी, आज फ्राइडे था तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो यहाँ पर मुझे भूख से ना वो थी बस, यानी 10:30 बजे होंगे इस टाइम यहाँ पर जब हम लोग खाना खा रहे थे, तो मैंने खाना आराम से बैठ के अच्छे से खाया, चिकन कढ़ाई थी और पुलाव था और हमने एंजॉय किया यहाँ पर, तो मैंने ज़्यादा इसलिए शूट नहीं किया, मैंने कहा क्योंकि ये रिव्यू वीडियो है तो इसलिए इसमें ज़्यादा इस व्लॉग मुझे करना नहीं था, इसलिए मैंने कम वीडियो शूट की ताकि आपको दिखा सकूँ कि मैं कहाँ गई और मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, ताकि जो लोग ये देखना चाहते हैं ना तो उनको भी पता चल जाए। यहाँ पर मैं सादे का शूट ले रही थी, मैंने कहा मज़ा आ रहा था मैं खाने में, आ गई हूँ ठीक है, और मैंने कोई टचअप नहीं किया, मैंने इनफैक्ट लिपस्टिक को भी टचअप नहीं किया, मैंने कोई पाउडर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ना ब्यूटी ब्लेंडर से कोई टैप किया, कुछ जिसको ब्लेंड किया, जैसे मेकअप करके गई थी वैसे के वैसे मैं अभी आई हूं, मतलब मैंने किसी किस्म का कोई भी कॉम्पैक्ट अपने फेस पे यूज नहीं किया। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 12 बज रहे हैं, ये देखें 12, मतलब मैंने जो मेकअप किया था वो ऑलमोस्ट 5:30 बजे थे शायद उस टाइम, मैं भूल गई हूँ मैं, और अभी 12 बज रहे हैं, तो ये टाइम हो गया है। तो मेरी तरफ से ये वाली फाउंडेशन ये मरीम परवेज की पाकिस्तानी फाउंडेशन मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, अगर आप एक पाकिस्तानी ब्रांड पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इट्स गुड, अच्छी है ये। और अच्छा ये मुझे क्यों अच्छा लगा, अमूमन मैंने अब तक जितनी भी सेटिंग स्प्रे यूज़ की, जैसे मैं वो लगाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती थी, जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने जब मैं सेकंड टाइम उसको कोट करती थी तो मुझे हैवीनेस फील होती थी, लेकिन मैंने इसको 2 टाइम से 3 टाइम अपने फेस पे यूज किया है, तो इसने मेरी स्किन को हाइड्रेट किया है ताकि इसने कोई मुझे हैवीनेस फील की, तो इट्स गुड। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सेव शेयर सब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।